में तकलीफ में क्या दुआ पढ़ना है। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ये दुआ पढ़ी थी बीमारी और तकलीफ को दूर करने के लिए। अन्नी मस्सन्नी दुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन, मुझे तकलीफ लग गई है और अल्लाह के सिवाय कोई और ये तकलीफ दूर नहीं कर सकता, तू ही रहम करने वाला है। और यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में चले गए, रात का अंधेरा, गम का अंधेरा, तीन तीन अंधेरे थे, और क्या कहा उन्होंने, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ए अल्लाह, तेरे सिवाय कोई माबूद नहीं, तू हर ऐब से पाक है, बेशक मैं कसूरवार हूँ। अपने आप को कसूरवार कहे जालिमीन। तो हम कसरत से ये दुआएं पढ़ना, चाहे तकलीफ हो, परेशानी हो, गम हो, खुद पढ़ना है। लोग समझते कि लोगों को कलेक्टिव जमा करके ये पढ़ना, नहीं, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, खुद पढ़िए ये दुआ। जज़ाकअल्लाह खैर।